हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकीएस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus में आप बैकअप एंड रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट्स एंड बैकअप की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप दो तरीके से बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। पहला है सैमसंग क्लाउड और दूसरा है गूगल ड्राइव। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से बैकअप कर सकते हैं। चलिए हम सैमसंग क्लाउड से कर लेते हैं। बैकअप डाटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने सैमसंग अकाउंट से लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही किया हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको जिस भी आपका डाटा बैकअप करना है, आपको सिंपली उसे यहाँ से इनेबल कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे कॉल लॉक्स को कर लेती हूँ। ये मैंने कॉल लॉक्स को यहाँ से ऑन किया एंड देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी बैकअप नाउ की, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है यूज मोबाइल डाटा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बैकअप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकअप जो है वो क्रिएट हो रहा है। और दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि बैकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड देन आपको यहाँ पे नीचे डन की ऑप्शन मिलेगी, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, डाटा को रिस्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे रिस्टोर डाटा पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपनी ईमेल से वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको जिस भी ऐप का डाटा रिस्टोर करना है, आपको उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, उस पर क्लिक कर लेना है। एंड देन आपको यहाँ पे नीचे रिस्टोर पे क्लिक कर देना है, तो आपके फ़ोन में डाटा रिस्टोर हो जाएगा।